मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई थिंक ऑल ऑफ यू आर वेरी फाइन एंड एंजॉइंग योर ऑनलाइन क्लासेस. ओके माई डियर, एज यू नो वी हैव स्टार्टेड आर ऑनलाइन लेक्चर एंड टूडे आई विल राइट यू द एक्सरसाइज दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में जो एक्सरसाइज मैंने आपको करानी है. तो ओके, कंटिन्यू करते हैं, लेट्स सी. ओके, सो टूडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. चेंजिंग पर्सनल प्रोनाउंस एंड पजेसिव. चेंजिंग पर्सनल प्रोनाउंस एंड पजेसिव क्या दिया है? चेंजिंग वन आई माई मी माइन वी आर अस आर्स. ये क्या है? ये हमारे फर्स्ट पर्सन है. तो क्या दिया है कि दीज वर्ड्स रिफर्स टू द स्पीकर सो दे चेंज अकॉर्डिंग टू द स्पीकर. अब ये वर्ड्स जो हैं स्पीकर के अकॉर्डिंग ही चेंज होंगे, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज होंगे. जैसे कि दिया है पहला, आई सेड माई फ्रेंड्स आर वेरी हेल्पफुल टू मी. आई सेड मैंने कहा, माई फ्रेंड्स आर वेरी हेल्पफुल टू मी. या फिर इसमें इसको हम चेंज करेंगे, हो जाएगा आई सेड दैट माई फ्रेंड्स वर वेरी हेल्पफुल टू मी. आई के अकॉर्डिंग ही चेंज हुआ है, तो आई के अकॉर्डिंग ये हमारा ऐसे ही रहेगा, आई माई मी के अकॉर्डिंग ही रहेगा. आई सेड हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई है, तो ये हमारा चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज ही रहेगा. आई सेड माई फ्रेंड्स आर वेरी हेल्पफुल टू मी, तो आई सेड दैट माई फ्रेंड्स वर वेरी हेल्पफुल टू मी. सेकेंड दिया है, यू सेड माई फ्रेंड्स आर वेरी हेल्पफुल टू मी. अब यू हमारा चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा यू सेड दैट. अब यू के अकॉर्डिंग आएगा तो योर फ्रेंड्स वर वेरी हेल्पफुल टू यू, हो जाएगा ना. ये यू हमारा यू के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा हमारा. तो यू सेड दैट योर फ्रेंड्स वर वेरी हेल्पफुल टू यू. नेक्स्ट दिया है सी, ही सेड माई फ्रेंड्स आर वेरी हेल्पफुल टू मी. ही सेड माई फ्रेंड्स आर वेरी हेल्पफुल टू मी, तो हो जाएगा ही सेड दैट हिज फ्रेंड्स वर वेरी हेल्पफुल टू हिम. ही सेड दैट हिज फ्रेंड्स वर वेरी हेल्पफुल टू हिम. ओके, तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा इसमें. ओके, एक्सरसाइज टू, पुट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. पुट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. जैसे कि आई सेड टू माय मदर, इट इज़ माय मैथमेटिक्स टीचर हु हैज़ अवेकन मी टू द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट. जब हम इसको चेंज करेंगे तो कैसे चेंज हो जाएगा ये मैं आपको बताती हूँ. ओके, दैट विल चेंज इट. हम इसको लिखेंगे आई टोल्ड टू माई मदर दैट इट वॉज माई मैथमेटिक्स टीचर हु हैड अवेकन्ड मी टू द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट. I told to my mother that it was my mathematics teacher who had awakened me to the beauty of mathematics as a subject. Second दिया है, I remember that you said, usually I don't take my parents' help to do my work. ओके, तो इट विल चेंज इट, हो जाएगा I remembered that you said that usually I did not take my parents' help to do my work. I did not take my parents' help to do my work. Next exercise हमारी, Richard said, all the books lying on the shelf are mine. Richa said, all the books lying on the shelf are mine. तो it will change हो जाएगा. Richa said that all the books lying on the shelf were mine. इसमें हमारा same रहेगा, only helping verb हमारी change होंगी. Richa said that all the books lying on the shelf were mine. Next दिया है, I told to the manager, I have been working with the company for 5 years and nobody has ever found fault with my work. Okay, तो हो जाएगा I told to the manager that I had been working with the company. I had been working with the company for 5 years and nobody had ever found fault with my work. And nobody
had ever found fault with my work. Next दिया है, Mr. Biswas said, my business began to flourish after my son joined me. Mr. Biswas ने कहा, my business began to flourish after my son joined me. तो हो जाएगा, Mr. Biswas said that his business began to flourish after his son joined him. Mr. Biswas said that his business began to flourish after his son joined him. अब ये जो है ना हमारे जैसे माई आ गया, मी आ गया, तो ये हमारे किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे? हमारे स्पीकर के अकॉर्डिंग, यानी विश्वास के अकॉर्डिंग चेंज होंगे. स्पीकर के अकॉर्डिंग ही हमारे ये आगे जो पोजेशंस हैं, पोजेसिव प्रोनाउन हैं, ये हमारे इसके अकॉर्डिंग ही चेंज होंगे. नेक्स्ट दिया है, यू योरसेल्फ वंस सेड, आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू सोल्व द फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ माई फ्रेंड्स, बट नोबडी हैज़ एवर थैंक्ड मी. तो क्या हो जाएगा, You yourself once said that you had tried your level best to solve the financial problem of your friends, but nobody had ever thanked you. You yourself once said that you had tried your level best to solve the financial problem of your friends, but nobody had ever thanked you. और लास्ट क्वेश्चन है, आसिमा सैड, इफ आई हैव ए प्रॉब्लम योर मदर इज ऑलवेज देयर टू हेल्प मी. तो हो जाएगा, आसिमा शेड दैट इफ़ शी हैड ए प्रॉब्लम, आसिमा के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा ये, इफ़ शी हैड ए प्रॉब्लम हर मदर इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प हर. ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू राइट द एक्सरसाइज. ऐसे आपको एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में लिख लेनी है. ओके, यू हैव टू राइट द एक्सरसाइज इन दिस वे.